तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कम्प्लीट 3/8 आवर्स। द टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देन हमने फाइंड करना है द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो हमारा स्मॉलर टैप है उसको हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर टैप, इसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ से कि ये हमारा लग रहा है एक्स आवर। जो स्मॉलर डाया का टैप है उससे जो हमारा टोटल टाइम लग रहा है वो एक्स आवर लग रहा है। अभी यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम टेकन बाई लार्जर डायामीटर टैप। इससे हमारा जो टाइम लग रहा है ना, देखो लार्जर से हमारा 10 आवर्स कम लग रहा है, तो इसको हम पकड़ के चलेंगे एक्स माइनस 10 आवर्स। इतना आई होप आपको पकड़ में आया होगा। तो अभी दोस्त क्या करना है, इसमें हमने जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना वो हम पर आवर में यहाँ पे करेंगे। देखो टोटल टाइम हमारा दे रखा है, जब दोनों को हम एक साथ खोल रहे हैं तो दोनों मिलके 9 कम्प्लीट 3/8 आवर्स में कम्प्लीटली इसको फिल कर दे रहे हैं। देखो जो हमारा पर आवर में जो कैलकुलेशन होगी ना, पर आवर में जो स्मॉलर वन से हमारा टाइम लग रहा होगा वो लग रहा होगा 1/x। एक्स टाइम में ये कंप्लीट भर दे रहा है, एक्स आवर्स में ये जो हमारा स्मॉलर डाया का टाइप है वो कंप्लीट इसको फिल कर दे रहा है। तो इसका पर आवर में जो टाइम लगेगा वो होगा 1/x। ऐसे इसका हम पर आवर में टाइम निकालेंगे लार्जर का, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/x-10। देखो दोनों से जो हमारा पर आवर में टाइम लग रहा है ना और टोटल टाइम हमारा इतना है, टोटल टाइम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टोटल टाइम हमारा आ रहा है 9 कम्प्लीट 3/8, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आ जाएगा ये 72 और 3 इसमें ऐड कर दोगे 75 75/8। ये तो हमारा दे रखा है टोटल टाइम। अभी क्या करेंगे, देखो जो हम पर आवर में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो स्मॉलर वन से जो पर आवर में लग रहा है वो 1/x हो गया और लार्जर डायमीटर से जो टाइम लग रहा है हमारा वो हो गया 1/x-10। तो इसको भी हम पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल टाइम अगर हमारा ये है तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें 8/75, तो ये हमारा हो जाएगा पर आवर में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो हमारा टाइम है ना 1/x, ये स्मॉलर डायमीटर से लग रहा है और ये लग रहा है हमारा लार्जर डायमीटर से पर आवर में। तो पर आवर में ये इतना फिल कर रहा है, पर आवर में ये हमारा लार्जर वाला इतना फिल करेगा, तो टोटल टाइम को भी हम क्या करेंगे पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से ही आ जाएगा 8/75। अभी जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसका एलसीएम पकड़ लेते हैं। ये आ जाएगा x-10 और इधर से आ रहा है देखो प्लस का x और नीचे हमको पकड़ में आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा x²-10x=8/75। तो आई होप आपको इतना पकड़ में आया होगा। यहाँ से जो हमारा x और x है ना ये बना लेगा हमारा 2x ऐड करके और माइनस का 10 और अपॉन में हमको मिल रहा है x²-10x=8/75। तो ये यहाँ से हमारा आ रहा है। अभी जस्ट इसमें हम थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्त अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो इसमें क्या करना है दोस्त, यहाँ से हमारा ना 2 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने 2 बाहर पकड़ लिया, ये हो जाएगा x-5 और इधर मिल रहा है x²-10x=8/75। 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 जा है ना, जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 75x और यहाँ से 75 को 5 से करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 375 और इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 4x² है ना और ये माइनस का 40x। अभी इन दोनों को हम उधर पकड़ के ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4x² और यहाँ से देखो ये 75 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ये बना लेगा 115x और प्लस का आ जाएगा 375 = 0। तो अभी हमने मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 4 × 375 करेंगे, तो 4 × 375 कर लेते हैं एक बार इसको, ये हमारा आ रहा है 375 × 4। तो यहाँ से हमको ये 1500 के अराउंड मिल रहा है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1500 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे है ना, 2 से जा रहा है 750, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा, फिर 7 जा, फिर 5 जा, फिर उसके बाद
थ्री से जा रहा है, वन जा, टू जा, फाइव जा, फिर फाइव से जाएगा 25, फाइव से जा रहा है फाइव जा, फाइव से जा रहा है वन जा, तो ये हमको यहाँ से मिल रहा है। तो अभी देखो इसके हमने फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, हमारा मल्टीप्लाई करके 1500 आना चाहिए यहाँ पे, और ऐड या सबट्रैक्ट करके 115 आना चाहिए। तो इसमें एक तो यहाँ से हमारा 15 पकड़ में आ रहा है, देखो 35 जा 15, और यहाँ से हमको मिल रहा है 2 जा 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में, यहाँ से आपको मिल जाएगा 100। तो एक फैक्टर्स जो हमारा है ना वो 100 होगा और दूसरा आ जाएगा 15, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 4 कॉमन आ रहा है ना, ये हो जाएगा, x भी मिल रहा है, x माइनस 25 बच रहा है यहाँ, यहाँ हम माइनस का 15 पकड़ लेंगे, इधर भी हमारा x माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 4x माइनस 15, और एक हमको मिल रहा है देखो यहाँ से x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम निकाल लेते हैं इधर से। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 आवर्स। तो जो हमारा स्मॉलर डाया में जो टैप, जो हमारा स्मॉलर डाया का टैप था उसमें हमारा जो टाइम लग रहा है वो 25 आवर्स लग रहा है, और लार्जर डाया में कितना लगेगा इसमें हमसे 10 इसको क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 आवर्स लगेगा। यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 करेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा 15 आवर्स। तो स्मॉलर से हमारा 25 लग रहा है और लार्जर से कितना लगेगा 15 लगेगा। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर रीड कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।